डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं कामरान शाह और आप देख रहे हैं मल्टी हब विद कामरान। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम डिफरेंस बिटवीन डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2 और इसके डायग्नोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में क्या फर्क होता है और कौन से टेस्ट डायबिटीज टाइप 1 में किए जाते हैं और कौन से टेस्ट जो हैं वो डायबिटीज टाइप 2 में किए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसके डिफरेंस के बारे में, इसके टेस्ट के बारे में जानना। तो दोस्तों, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। दोस्तों, डायबिटीज टाइप 1 में जो ये डिजीज है, डायबिटीज ये क्रॉनिक डिजीज है, ठीक है, और डायबिटीज टाइप 2 जो है ये भी क्रॉनिक डिजीज है। क्रॉनिक डिजीज का मतलब ये है कि एक ऐसी बीमारी जो ज्यादा अरसे के लिए जिस्म में रहे और जिसको ट्रीट करते हुए भी ज्यादा टाइम लगे, ठीक है। टाइप 1 में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता, ठीक है, लेकिन डायबिटीज टाइप 2 में इंसुलिन बनता है लेकिन कम बनता है, ठीक है। दोस्तों, डायबिटीज टाइप 1 में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता और आप बाहर से इंसुलिन लोगे, ठीक है, इंजेक्टेबल फॉर्म में लोगे ताकि जो ग्लूकोज है, जो शुगर लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ है, वो जो है वो नॉर्मल हो सके। डायबिटीज टाइप 2 में इंसुलिन बनता है लेकिन कम बनता है, ठीक है, तो इसके लिए फिर मोस्टली टेबलेट्स वगैरह या परहेज पर जो है वो गुजारा किया जाता है, जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा चेंज करना पड़ता है। डायबिटीज टाइप 1 में जो शुगर लेवल होगा वो अगर आप उसे ट्रीट नहीं करोगे, ठीक है, तो बहुत हाई लेवल पर चला जाता है शुगर लेवल, और डायबिटीज टाइप 2 में भी इट कैन लीड टू हाई ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। डायबिटीज टाइप 1 में जो हंगर है, जो भूख का लगना है, वो इंतहाई ज्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा भूख लगती है पेशेंट को। डायबिटीज टाइप 2 में भी हंगर जो है वो इंक्रीज होती है। डायबिटीज टाइप 1 में जो विजन होती है, जो देखने की सलाहियत होती है, वो ब्लर्ड होती है, ठीक है, जो भी चीज नजर आती है वो धुंधली नजर आती है, ठीक है, और डायबिटीज टाइप 2 का जो इफेक्ट होता है वो भी आंखों पर पड़ता है और उसकी वजह से ब्लर्ड विजन काज होती है। एक्सट्रीम फेटीग होती है डायबिटीज टाइप 1 में, जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा थकते हैं, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा थकन फील होती है, और डायबिटीज टाइप 2 में भी एक्सट्रीम फेटीग होती है। डायबिटीज टाइप 1 में जब कोई जख्म लगता है तो जो हीलिंग प्रोसेस है, जो ठीक होने का जो प्रोसेस होता है, वो बहुत ज्यादा स्लो होता है, और डायबिटीज टाइप 2 में भी हीलिंग प्रोसेस जो है वो स्लो होता है। एक्सट्रीम थर्स्ट होता है डायबिटीज टाइप 1 में, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, और डायबिटीज टाइप 2 में भी थर्स्ट जो है, जो प्यास लगना है, वो बहुत ज्यादा सेवियर होती है। डायबिटीज टाइप 1 में जो पेशेंट होता है उसमें बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी काज हो जाती है, इरिटेबिलिटी चिड़चिड़ेपन को कहा जाता है, बहुत ज्यादा उसका मूड चिड़चिड़ा हो जाता है, एंड मूड चेंजेस या मूड स्विंग्स आते हैं जो डायबिटीज टाइप 1 का पेशेंट होता है, जो मूड होता है वो उसका वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है, ठीक है, और अन इंटेंशनली लॉस वेट, और जो वेट है वो बहुत ज्यादा वक्त के साथ साथ लूज होता है, कम होता है, ठीक है। डायबिटीज टाइप 2 में दोस्तों जो चीज होती है वो है नंबनेस। नंबनेस से मतलब है बेहिसी, यानी पाँव में या हाथों में नंबनेस हो जाती है अगर कोई चीज चुभे उन्हें, ठीक है, या कोई चीज लगे, या हाथ या पाँव किसी चीज के साथ लगे, तो वो बिल्कुल बेहिस हो जाता है, उसे फील नहीं कर पाता है ये पेशेंट, ठीक है। एंड टिंगलिंग इन देयर हैंड आर फील, या बाज़ औक़ात जो फीलिंग आती है वो बिल्कुल ऐसी आती है जैसे कोई सुइया चबो रहा है इनके पाँव में या हाथ में, ठीक है, तो ये मोस्टली डायबिटीज टाइप 2 में होता है। डायबिटीज टाइप 1 में जो ये टाइप 1 डायबिटीज है, ठीक है, तो ये डायबिटीज की सबसे लेस कॉमन टाइप है, ठीक है, ये बहुत कम लोगों में होती है, और ज्यादातर लोगों में जो डायबिटीज होता है वो मोस्टली डायबिटीज टाइप 2 होता है, ठीक है। दोस्तों, इसके अलावा काजिस पर अगर हम आए, वजह क्या है, तो डायबिटीज टाइप 1 जो है ये मोस्टली क्यों होता है, तो इसकी वजह यह है कि जो हमारे जिस्म का अपना इम्यून सिस्टम है वो अटैक करना शुरू कर देता है इंसुलिन को, जो कि बीटा सेल्स बनाते हैं पैनक्रियाज में, और इसकी डिस्ट्रक्शन काज कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन फिर बिल्कुल बनता ही नहीं है, ठीक है। और ये क्यों इस तरह इम्यून सिस्टम करते हैं, इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कहा जाता है, ये अभी तक पता नहीं चलाया जा सका कि ऐसे क्यों होता है। बस जो इम्यून सिस्टम है वो इंसुलिन को ऐसे टारगेट करता है जैसे ये कोई एंटीजन है, कोई फॉरेन सब्सटेंस है, ठीक है, तो उसकी वजह से जब सेल्स, बीटा सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो फिर इंसुलिन जो है वो नहीं बनता। डायबिटीज टाइप 2 में जो काज है क्यों होता है, तो इसमें मोस्टली पेशेंट जो है वो इंसुलिन को रेजिस्टेंस हो जाता है,
इंसुलिन की जो इफेक्टिवनेस है वो उस तरह से नहीं रहती, ठीक है। तो ये क्यों होता है? मोस्टली बीइंग ओवरवेट एंड इनएक्टिव, ठीक है, वो लोग जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या वो काहिल होते हैं, काम काज वगैरह नहीं करते और सोते रहते हैं या बैठे रहते हैं, तो ऐसे लोगों में मोस्टली इंसुलिन रेजिस्टेंस डिवेलप हो जाती है और शुगर लेवल जो है वो वक्त के साथ साथ हाई होता रहता है और जो इंसुलिन है उसकी एक्टिविटी जो है वो डाउन हो जाती है। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं दोस्तों, ठीक है, अगर रिस्क फैक्टर्स पर हम आए तो वो कौन से आदत हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है इसका रिस्क फैक्टर एक ये है कि अगर फैमिली में बाप या माँ में किसी को अगर डायबिटीज़ हो या बहन भाइयों में किसी को टाइप 1 हो तो ज़्यादातर ख़तरा ये रहता है कि फिर ये पेशेंट जो है ये एक्वायर कर सकता है डायबिटीज़ को, फैमिली का जो मेंबर है वो इस टाइप 1 को एक्वायर कर सकता है। टाइप 2 में क्या है, पर्सन हैविंग प्री डायबिटीज़, ठीक है, टाइप 2 में मोस्टली लोग जो हैं उन्हें डायबिटीज़ हो जाता है, यानी उनका नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा बढ़ जाता है ग्लूकोज लेवल, लेकिन अगर वो अपना चेकअप ठीक ना करें, टेस्ट वगैरह ठीक ना करें या टाइम पर अपना लाइफस्टाइल चेंज ना करें तो फिर ये प्री डायबिटिक स्टेज जो है ये फिर डायबिटिक स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है। डायबिटीज़ टाइप 1 में मोस्ट कॉमन जो ये होता है जिस एज में होता है तो चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा कॉमन है और फ्रॉम 10 ईयर्स टू 19 ईयर्स तक के लोगों में जो डायबिटीज़ टाइप 1 है ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। और डायबिटीज़ टाइप 2 जो है ये ओबीज लोगों में जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा ओवरवेट होते हैं तो इनमें ख़तरा ज़्यादा होता है। सर्टन वेरियंट्स ऑफ द HLA-DQA1, HLA-DQB1 एंड HLA-DRB1 जीन्स, दोस्तों ये जीन्स जो हैं ये मोस्टली ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन्स कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों, और इन जीन्स का काम यह है कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि जो जिस्म के प्रोटीन्स हैं उसे पहचान सके इम्यून सिस्टम, ठीक है। अगर ये जीन्स नहीं होंगे तो अपना इम्यून सिस्टम जो है वो फिर अपने बॉडी के प्रोटीन्स को बार बार टारगेट करेगा, ठीक है। तो दोस्तों इन जीन्स में असल में कुछ वेरिएशन आ जाती है, ठीक है, यहाँ पर ये जो नाम आप देख रहे हैं तो ये भी एक हाईली रिस्क फैक्टर होता है कि इस तरह के जीन्स जो हैं फिर ये टारगेट करते हैं इंसुलिन को और इम्यून सिस्टम जो है वो फिर डिस्ट्रक्शन काज करता है बीटा सेल्स की, ठीक है। तो अगर ये वेरिएंट्स होंगे HLA के, ठीक है, तो फिर भी टाइप 1 डायबिटीज़ का ख़तरा हो सकता है, लेकिन टाइप 2 में अगर एज 45 से अबव है तो फिर डायबिटीज़ टाइप 2 का जो ख़तरा है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ओवरवेट और फिजिकली इनएक्टिव पीपल में ये भी एक रिस्क फैक्टर है, जिनका वेट ज़्यादा हो, जो इनएक्टिव पीपल हो, जो काम काज ना करते हों, सोते रहें, बैठे रहें, खाएं और जो उनका वर्कलोड है वो ना हो, ठीक है। डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फीमेल जिन्हें प्रेगनेंसी के दौरान अगर डायबिटीज़ हो तो बाद में ख़तरा होता है कि अगर वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज ना करें तो उनमें फिर डायबिटीज़ टाइप 2 हो सकता है। या ऐसी माएँ जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया हो जिनका वेट पैदा होने के बाद 9 पाउंड्स था या 4 किलोग्राम था, ठीक है, तो जो हैवी वेट बच्चे पैदा होते हैं तो ऐसी माओं को भी फ्यूचर में ख़तरा होता है कि इन्हें डायबिटीज़ टाइप 2 हो। इसके अलावा पेशेंट्स हैविंग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है, ऐसे फीमेल्स जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है और मोस्टली इसमें जो वुमेन्स होती हैं, ठीक है, ये वुमेन जो हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सेस मेल हार्मोन एंड्रोजन जो है उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है ऐसी फीमेल्स में, ठीक है, और फ्लूइड कलेक्शन हो जाती है और इसके इर्द गिर्द, ठीक है, तो ऐसे फीमेल्स में भी फिर ख़तरा होता है कि डायबिटीज़ टाइप 2 जो है वो डेवलप कर सके। या ऐसी फीमेल्स जिनका बेली फैट जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इवन मेल में भी अगर बेली फैट बढ़ जाए, पेट की चर्बी बढ़ जाए या पेट का बड़ा होना जो है, वेस्ट का बढ़ जाना, ठीक है, तो ये भी डायबिटीज़ टाइप 2 की साइड पर जा सकता है। डायग्नोसिस हम क्या करेंगे डायबिटीज़ टाइप 1 के लिए और डायबिटीज़ टाइप 2 के लिए? जो डायबिटीज़ टाइप 1 है उसमें हम HbA1c टेस्ट करते हैं और डायबिटीज़ 2 में भी हम HbA1c टेस्ट करते हैं। HbA1c टेस्ट जो है ये है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ठीक है, इससे मतलब क्या है? इससे मतलब ये है कि ये तकरीबन 2 से 3 माह पुराना जो शुगर है वो डिटेक्ट करता है RBC के अंदर, ठीक है, अगर वो ठीक तरह से यूटिलाइज नहीं हुआ तो, ठीक है। दूसरा फ़ायदा HbA1c का ये है कि अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी जाए तो हम कुछ वक्फे के बाद HbA1c टेस्ट करते हैं और ये देखते हैं कि मेडिसन्स का इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, तो अगर नहीं हुआ और शुगर लेवल स्टिल हाई है
तो फिर हम जो मेडिसन्स है वो फिर चेंज कर देते हैं. ठीक है दोस्तों. सो ये दो टेस्ट होंगे HbA1c और इसके लिए हम सैंपल जो लेंगे वो EDTA ट्यूब में लेंगे, होल ब्लड लेंगे. ठीक है. और होल ब्लड से ये रूटीन केमिस्ट्री में माइक्रोलैब पर या किसी और एडवांस एनालाइजर पर ये टेस्ट होगा. ठीक है. फास्टिंग ब्लड शुगर हम करते हैं डायबिटीज Type 1 में, और डायबिटीज Type 2 में भी फास्टिंग ब्लड शुगर हम करते हैं. फास्टिंग ब्लड शुगर नॉर्मल जो है वो 70 to 110 है, लेकिन 126 से ऊपर अगर होगा तो ये फिर डायबिटिक कंडीशन हो सकती है. रैंडम ब्लड शुगर हम कर सकते हैं डायबिटीज Type 1 में भी, और Type 2 में भी रैंडम ब्लड शुगर कर सकते हैं, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 80 mg/dL टू 150 mg/dL है. और अगर 150 से अबव होगा 160 तक तो फिर ये कंसिडर होता है कि डायबिटिक कंडीशन है. ठीक है. डायबिटीज Type 1 में यूरिन कीटोन बॉडीज हम चेक करते हैं, हालांकि डायबिटीज Type 2 में हम चेक नहीं करते. तो ये ज्यादातर कीटोन बॉडीज जो प्रोड्यूस होती हैं तो वो डायबिटीज Type 1 में प्रोड्यूस होती हैं, तो इसके लिए यूरिन कीटोन बॉडीज किया जाता है जो कि स्ट्रिप पर किया जाता है. इस पर मैंने एक लेक्चर बनाया था, जिन दोस्तों ने नहीं देखा तो वो क्लिनिकल पैथोलॉजी के सेक्शन में जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं. इसके अलावा जो Type 2 डायबिटीज है इसमें हम OGTT टेस्ट करते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो कि 12 घंटे के वक्फे के बाद एक टेस्ट किया जाता है जिसमें ओरली ग्लूकोज दिया जाता है और फिर चेक किया जाता है कि ये ग्लूकोज नॉर्मल हुआ है या नहीं, 2 घंटे के बाद यूटिलाइज हुआ है कि नहीं. अगर स्टिल 2 घंटे के बाद भी ग्लूकोज लेवल हाई है तो हम कहते हैं कि ये डायबिटीज Type 2 है. ठीक है. एंटीबॉडीज देट आर कॉमन इन डायबिटीज Type 1. ठीक है. एंटीबॉडीज टेस्ट किया जाता है डायबिटीज Type 1 में, और ये एंटीबॉडीज जो है ये मोस्टली बनती हैं इसी इंसुलिन के अगेंस्ट. ठीक है. और उसे कंसिडर करती हैं एज ए एंटीजन. ठीक है. तो ये एंटीबॉडीज जो हैं इसके लिए भी टेस्ट किया जा सकता है डायबिटीज Type 1 में. तो दोस्तों ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन डायबिटीज Type 1 एंड Type 2 और उसके डायग्नोसिस के बारे में. और डायग्नोसिस में आपने देखा कि कुछ टेस्ट ऐसे है कि जो डायबिटीज Type 1 के लिए होते हैं लेकिन डायबिटीज Type 2 के लिए वो नहीं होते. ठीक है दोस्तों. उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.